बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम आपके का यूनिट 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है क्वेश्चंस। इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चनिंग वर्ड्स के बारे में पूछेंगे, जैसे विच, हु, व्हेन एंड वेयर। ये सारे वर्ड्स इस तरह के हैं जो हम किसी से क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आज हम वर्ड सीखने वाले हैं वो है विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। किसी चीज़ के बारे में जब आप पॉइंट आउट करते हैं ये कौन सा चीज़ है या कौन सी चीज़ है, तो उसके बारे में हम विच यूज़ करते हैं। आए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल गेम खेल रहे हैं। इस गेम में बच्चा वो चीज़ अपने हाथ में छुपाता है और बच्ची से उसके बारे में पूछता है, तो बच्ची उस हाथ के बारे में पॉइंट आउट करती है कि कौन से हैंड में वो चीज़ छुपी हुई है। विच हैंड हैज द मैच, किस हाथ में माचिस की तीली है। बच्ची आंसर देती है, योर राइट हैंड, आपके दाएं हाथ में। नो, नहीं। और इसके साथ इस बच्ची की टर्न खत्म हो जाती है। अब बच्चा वही क्वेश्चन किसी और बच्ची के साथ रिपीट कर रहा है। विच हैंड हैज द मैच, किस हाथ में माचिस की तीली है। विच हैंड, किस हाथ में, कौन से हाथ में। बच्ची रिप्लाई करती है, योर लेफ्ट हैंड, आपके बाएं हाथ में। यस, हेयर इट इज, हाँ ये यहाँ है। थैंक यू, आपका शुक्रिया। तो इस तरह ये गेम एंड होती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप्स नजर आ रही होंगी। अब इसके बारे में हम विच को यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। विच वन इज बिगर देन द अदर, कौन सी शेप दूसरे से बड़ी है या सबसे बड़ी है। तो आंसर है नंबर वन, नंबर वन इन सब शेप से बड़ी है। Which one is smaller than the others? कौन सी शेप है जो दूसरों में से छोटी है। नंबर सिक्स, आपका आंसर होगा नंबर सिक्स, क्योंकि ये सबसे छोटी है। Which ones are the same? कौन सी चीज शेप्स हैं जो एक जैसी हैं। नंबर थ्री एंड नंबर फाइव, ये दोनों शेप्स सेम हैं, एक जैसी हैं। Which ones are round? कौन सी शेप हैं जो गोल हैं, राउंड। नंबर वन एंड नंबर फोर आर राउंड, तो हमारा आंसर होगा नंबर वन एंड नंबर फोर। विच वन इज स्क्वायर, कौन सी स्क्वायर है, कौन सी शेप है वो, नंबर टू। तो स्टूडेंट, हमने सीखा कि विच का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी चीज के लिए कौन सा या कौन सी के लिए रिप्लाई करना होता है। अब आप इसको इसके नीचे दिए हुआ कार्ड सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।